संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपको वीडियो बड़े अच्छे से लाभ दे रही होंगी, फिर भी हो सकता है कि हम उसमें कुछ ना कुछ कमी महसूस कर रहे हो आप, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम और सुधार करने का प्रयास करेंगे। जीवन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यहाँ कभी कोई भी किसी भी विषय में कभी भी किसी भी विषय में कभी भी पारंगत नहीं हो सकता। इसलिए जीवन को अनवरत चलने वाली प्रक्रिया बोल दिया है, ज्ञान भी अनवरत चलता रहता है। आज है, करते रहेंगे तो वो बढ़ता रहेगा, संपूर्ण कभी नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकते कि यहां पर ये सीमा हो गई, अब खत्म, हम विद्वान बन गए हर क्षेत्र में। तो उसके लिए कमेंट के माध्यम से बताते रहेंगे तो हम अपनी कमियों को धीरे 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 दूर करते रहेंगे। हम कमियों को दूर करने का भरसक प्रयास करते हैं। एक और बात करनी है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता हो कि हम भी आप संस्कृत के प्रचार में प्रसार में या किसी व्यक्ति विशेष के प्रचार प्रसार में या उनकी सहायता में आप सहायता कर सकते हैं, तो हमारे मित्र कुछ संस्कृत के ऐसे हैं जिनको संस्कृत से संबंधित कोचिंग नहीं मिल पाती है, या किसी कारणवश वो संस्कृत इसीलिए लेते हैं कि साइंस इसलिए नहीं ले पाते कि उनके बैकग्राउंड कमजोर होती है, अर्थात वो ट्यूशन व्यूशन नहीं कर सकते, तो संस्कृत की भी ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है जब वो देखते हैं कि संस्कृत में हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे मित्रों के लिए आप अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा और आपको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ प्राप्त होगी, क्योंकि देने से चीज़ें बढ़ती हैं और जो आदमी देना सीख जाता है उसको असीम कृपा ईश्वर की मिलती है और उसमें वो प्राप्त होती चली जाती हैं। खैर, ये आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहें, मेरा तो सिर्फ कहने का धर्म है, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, ये कर नहीं सकता। आज हम तर्क भाषा में ही जानने का प्रयास करेंगे, प्रत्यक्ष को जानने का प्रयास करेंगे। हमने बहुत तरीके से प्रत्यक्ष को जाना है, आज आपको प्रत्यक्ष क्या होता है ये बहुत अच्छे तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है तर्क भाषा सारे दर्शनों का शब्द कोश है। यदि तर्क भाषा को सीख लिया तो सभी दर्शन उसके सामने छोटे पड़ जाएंगे। एक कमेंट बहुत आता है न्याय सिद्धांत मुक्तावली का, आप तर्क भाषा समझ लीजिए। न्याय सिद्धांत मुक्तावली एक बच्चे की भांति ना हो जाए, एक बच्चे के समझने की खिलौना ना बन जाए तो कहना। मैं हो सकता है तर्क भाषा के बाद न्याय सिद्धांत मुक्तावली समझाने का प्रयास, उसमें अनुमान खंड है, अनुमान और उपमान दो हैं, लेकिन हमारे जो न्याय में जो विषय आता है वो अनुमान खंड है। अनुमान को इसमें जो समझाया गया है, आप अगर इसको समझ गए तो उसमें तो आप समझ ही जाएंगे, उसमें फिर समझने में कुछ नहीं वगैरह। न्याय सिद्धांत मुक्तावली एक प्रवेशिका है दर्शन में घुसने वाली, उसको इतना समझना कठिन नहीं है जितना समझा जाता है। मैंने कठिनतम विषय को ही ज़्यादातर समझाने का प्रयास किया है, जिसका भय रहता है, जैसे पाणिनि शिक्षा का भय रहता था वो समझा दिया है संपूर्ण, ऋग्वेद प्रातिशाख्य को संपूर्ण खत्म कर दिया है, उसका भी बड़ा भय रहता था, तर्क अर्थ संग्रह उसका भी बहुत भय रहता था, उसको भी समझा दिया है। जितने भी कठिन विषय थे लगभग मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो तर्क भाषा में हम चलते हैं सीधे, आज बात करेंगे तर्क भाषा प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रमाण के बारे में हमने जान लिया था, प्रमाकरणम इति प्रमाण, पहली वीडियो में बड़े अच्छे समझाया है, आप जाकर के अध्ययन करें। वहां तीन कारण फिर उसमें हो जाते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, उनको भी बड़े अच्छे समझाया है। आज हम जान लाते हैं इसके बारे में बोला गया है साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। ठीक है, बहुत सरल है, मैंने बताया था तर्क संग्रह जो है वो शब्दकोश है, इसको समझते चलें। तो बोल रहे हैं कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, अर्थात साक्षात करने वाली प्रमा का जो करण है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात है, साक्षात करने वाली जो प्रमा है उसका जो करण है, साक्षात करने वाली कोई प्रमा है फिर उसका जो करण है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। नहीं समझ में आया, चलिए आएगा। साक्षात्कारी प्रमा है क्या? साक्षात्कारी प्रमा का
करण प्रत्यक्ष है, ठीक है, ये बोला गया है इसमें। अब साक्षात्कारी प्रमा क्या है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर तर्क भाषा समझ लिया तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इसमें एक पंक्ति बताने के बाद उसमें जो उलझन होता है उसको अगली पंक्ति में बताने का प्रयास करते हैं। बताऊं मैं हिंदी में तो अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं में अब संस्कृत में सीधे सीधे पूछा जा रहा है, हिंदी में तो बाद में समझा देता हूं, इसलिए तो इतना ही पूछ लिया कि प्रत्यक्ष क्या है तर्क भाषा के अनुसार, तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, इतनी बात हो गई। साक्षात्कार करने वाली जो प्रमा है उसका करण प्रत्यक्ष कहलाता है। अगली पंक्ति में बोला गया है साक्षात्कारिणी प्रमा च सेवोच्यते या इंद्रिजा, ठीक है, साक्षात्कारिणी प्रमा, साक्षात्कारी कारणी चा है, ठीक है, गलत हो गया, चा प्रमा से उच्चते या इंद्रिय जा। अब आपको यहां पर समझ में आ जाएगी साक्षात करने वाली जो प्रमा है वह क्या है, इंद्रिय जा, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली है, अर्थात साक्षात्कार करने वाली जो प्रमा है उसका कारण तो प्रत्यक्ष हो गया, तो साक्षात्कार करने वाली जो प्रमा है वह इंद्रिय से उत्पन्न होती है, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा साक्षात्कारी प्रमा, ये जो प्रमा है वो इंद्रियों से उत्पन्न होती है। अब साक्षात्कारी प्रमा, क्योंकि हम प्रमा के बारे में पहले भी जान चुके हैं, यहां जो बताया जा रहा है वो साक्षात्कारी प्रमा संपूर्ण शब्द के लिए बोला जा रहा है। प्रमा हम पहले भी जान चुके हैं, यथार्था अनुभव प्रमा, अर्थात यथार्थ जो अनुभव होता है, जो आप अनुभव क्या होता है, अनुभव मेरी किसी जो भी पदार्थ है उससे साक्षात्कार हो जाए इंद्रियों का, तो वो अनुभव कहलाता है, वो प्रमा कहलाता है, यानी कि अनुभव और प्रमा पर्यायवाची मान सकते हैं आप, ठीक है। तो यथार्थ अनुभव को प्रमा बोला गया। अब कह रहा है कि साक्षात्कारी प्रमा इंद्रियों से उत्पन्न होता है, अब कैसे उत्पन्न होता है इसको थोड़ा सा जान लीजिए। आत्मा है, आत्मा का संयोग मन से होता है, मन का इंद्रियों से होता है, और इंद्रियों का अर्थ से या वस्तु से होता है, ये चार स्थितियां बनती हैं। आत्मा का मन से, दूसरी स्थिति में मन का इंद्रियों से, और तीसरी स्थिति में इंद्रियों से अर्थ या वस्तु से, और चौथी स्थिति में हमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ये चार स्थितियां बनती हैं। तो प्रत्यक्ष के लिए पहले तो आत्मा का मन से संयोग होता है, फिर मन का इंद्रियों से संयोग होता है, और इंद्रियों से फिर अर्थ या वस्तु से संयोग होता है। अब यहां पर ये जो व्यवस्था है, ये वाली, ये साक्षात्कारी प्रमा है, ठीक है। जब इंद्रियां सीधे वस्तु से संपर्क करती हैं, कोई तवा है, गर्म है, हाथ से उसको स्पर्श किया, तो त्वचा जो इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिया, यहां पे थोड़ा सा याद रखना है आपको, ज्ञान इंद्रिया, तो त्वचा से जो गर्म और ठंडे का एहसास हुआ उससे हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, या कि आंखों ने कोई वस्तु देखी उसमें आंख करण, यहां जो करण की बात कर रहे हैं, यानी जो करण है वो करण इंद्रिय है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो साक्षात्कारी प्रमा इंद्रिय जो करण है वो प्रत्यक्ष, और करण क्या है, वो इंद्रिय है, यानी कि सहायक है, इंद्रिय सहायक है ज्ञान प्राप्त करने में, और उन वस्तु से फिर जो भी ज्ञान होता है, जो भी प्राप्त होती है उसको हम ज्ञान कहते हैं, ठंडा गर्म ब्राह्मण मिट्टी घड़ा पट जो भी आपको पता चले, अब वो कैसे होता है वो अगली बारी देखते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको है समझ आगे होगी,
चीज़ों को अगर समझने लग जाए तो थोड़ा समय लगता ही है, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए। मैंने बताया कि जब तक धैर्य नहीं होगा आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे इस चीज़ में। अब बात आती है कि साक्षात्कार समझ में आ गई, लेकिन ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि इनसे इंद्रियों से जो प्राप्त होता है वो लास्ट फल क्या होता है, उसका ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान भी कई तरीके से होता है, आप देखेंगे यहाँ यहाँ बोला है साक्षात्कारी जो प्रमा होती है द्विधा, सा द्विधा यानी दो प्रकार की होती है, सविकल्पक निर्विकल विकल्पकम भेदात्, सविकल्पक निर्विकल्पकम भेदात, अर्थात दो प्रकार की हो गई वो साक्षात्कारी प्रमा। कौन कौन सी हो गई, यानी कि जो साक्षात करने से यथार्थ अनुभव हुआ, अनुभव से जो ज्ञान हुआ वो दो प्रकार का हो गया। साधारण शब्दों में समझिए, पहला हो गया सविकल्पक, दूसरा हो गया निर्विकल्पक। हमने ये समाधि के रूप में जाने हैं, याद रखना जब हम वेदांत सार का अध्ययन करते हैं तो सविकल्पक निर्विकल्पक समाधि को जानते हैं, निर्विकल्पक समाधि को उपलब्ध होना होता है। यहां पर उल्टा है, यहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा, निर्विकल्पक समाधि नहीं है, शब्द है ये, इसलिए शब्द को समझ लीजिए। यहां निर्विकल्पक का मतलब वहां जो था वो निर्विचार ही था, यहां पर भी वही है, जिसके विषय में कोई भी शब्द ना बन पाए, विचार ना बन पाए, वो निर्विकल्पक ज्ञान होता है। सविकल्पक जिसके बारे में ज्ञान हो जाए, अभी आगे चर्चा करूंगा इस पर। तो दो प्रकार के ये भेद हो जाते हैं, भेद से दो प्रकार की साक्षात्कार प्रमा हो गई। अब एक चीज और है इसमें, साक्षात्कारी जो प्रमा है उसका जो करण है वो प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष का जो ज्ञान होता है वो इंद्रियों से ही होता है, उसका करण मात्र एक ही है इंद्रिय। लेकिन फल के आधार पर इसके तीन भेद हो जाते हैं। इसी तरह बोला गया है साधा त्रिविधम, अब इसको हर बात में संस्कृति लिखनी चली जाए वो सही नहीं है, तीन प्रकार से फल के हिसाब से ये करण जो होते हैं वो तीन हो जाते हैं। प्रथम जो होता है ऐसे बोला गया है कदाचित इंद्रिय, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, कदाचित ज्ञानम। तो ये कभी तो इंद्रिय होता है, हिंदी लिख रहा हूं इसमें, कभी इंद्रिय करण होती है, दूसरा कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होता है, कभी ज्ञान करण होता है। ये करण है, ठीक है ना, फल के आधार पर तीन करण हो गए। कौन कौन से हो गए, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ज्ञान। ज्ञान यहां निर्विकल्पक ज्ञान ही माना जाएगा, आगे जब बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सन्निकर्ष ये वाला जो है वो बहुत विस्तृत में समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि छह भागों में बढ़ जाता है ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है, जो करण है वो छह भागों में बढ़ जाता है। अब देख लेते हैं कि ये है क्या चीज, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। एक सार के रूप में और बता दूं, शायद समझ ना आया हो आपको, ये कह रहे हैं साक्षात्कार करने वाली प्रमा का जो करण है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। और प्रत्यक्ष क्या है, साक्षात्कारी प्रमा क्या है, साक्षात्कार प्रमा जो है वो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले है, उसको प्रमा कहा गया है, जो इंद्रियों से उत्पन्न हो वो साक्षात्कारी प्रमा कहलाती है। अब साक्षात्कारी जो प्रमा है वह दो भागों में बांट दी जाती है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। यहां जो प्रमा है, प्रमा का करण क्या है, इंद्रिय है, याद रखना है आपको, प्रमा का करण यानी यथार्थ अनुभव का करण क्या है, इंद्रिय है, केवल इंद्रियों से ही आप उसको ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रमा मतलब, याद रखना ना एक बात, रट लीजिए इसको, अनुभव, ज्ञान, कुछ भी मान लीजिए इसको, यथार्थ अनुभव को ही प्रमा बोला। तो प्रमा का जो करण है वो करण मात्र एक ही है और वो है इंद्रिय, इसको भूलना नहीं है। लेकिन फल के आधार पर इस प्रमा के तीन करण हो जाते हैं, अब समझ में आ जानी चाहिए, फल के आधार पर इस प्रमा के तीन करण हो जाते हैं, कभी इंद्रिय हो जाता है, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो जाता है, कभी ज्ञान हो जाता है, ये करण बदलते रहते हैं। अब कौन सी स्थिति में कौन सा करण होता है इसको देख लेते हैं, ठीक है।
बोला गया है इसमें इंद्रियकरण कब बनता है, ये एक प्रश्न है। ठीक है, इसके उत्तर में बोला गया है यदा निर्विकल्पकम ज्ञानम प्रमा। रूपा प्रमा फलम। ठीक है, इसकी इतनी सी परिभाषा है। अब बाद बाकी मैं अब सारी हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि संस्कृत में और हिंदी में कोई अंतर नहीं है उसमें, ये मुख्य था इसलिए मैंने इसको संस्कृत में लिख दिया। इसके आना है कि इंद्रियकरण कब बनता है, अर्थात कब माना है कि कब इंद्रियार्थ सन्निकर्षकरण होगा, कब इंद्रियकरण होगा, कब ज्ञानकरण होगा। तो इसमें यह बोला गया है यदा निर्विकल्पक रूपा परमा फलम, जब इंद्रियकरण हो और निर्विकल्पक जो प्रमा है, निर्विकल्पक जो ज्ञान है, प्रमा को मतलब आप ज्ञान ही मान लीजिए, निर्विकल्पक जो ज्ञान है वो फल होता है, तब इंद्रियकरण होती है। देखिए इंद्रिय करण कब होंगी, जब निर्विकल्पक ज्ञान फल होगा। ठीक है, निर्विकल्प ज्ञान फल होगा। अब इसमें बहुत सारी बातें बताई हैं मैंने, जो बताया था शुरू में कि कैसे इंद्रियकरण बनता है, कि आत्मा का संयोग होता है मन से, मन से संयोग होता है, मैंने चार स्थितियां बताई थी, मन का संयोग होता है इंद्रियों से, इंद्रियों का संयोग होता है अर्थया वस्तु से, अर्थया वस्तु से संयोग हुआ तब निर्विकल्पक ज्ञान प्राप्त हुआ। अब निर्विकल्पक ज्ञान जो है वो नाम जाति योजना आदि से युक्त नहीं है, अर्थात ना तो उसका कोई नामकरण किया गया है, नाम जाति आदि जो भी है उसको न जान करके, यानी उसका पता ना होने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो निर्विकल्पक ज्ञान होता है। उदाहरण, क्योंकि कभी कभी बिना उदाहरण की समझ नहीं आती, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई चीज देखी, ठीक है ना, अब शायद समझ में आ जाए, आंख से इस व्यक्ति ने इस चीज को देखा, अब ये वस्तु से उसके इंद्रियों का, इंद्रियां तो करण बनी, उससे संपर्क हुआ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ। अभी मैं बताऊंगा कि कौन से कब होता है, तीन चीजें होती हैं, करण, अवांतर फल और अवांतर व्यापार और फल। तो यहां पर एक तो करण हो गया आंख, करण, करण होगी आंख, और ये फल हो गया निर्विकल्पक, निर्विकल्पक ज्ञान फल हो गया। निर्विकल्प ज्ञान में ये घड़ा है, लेकिन जब आंखें मिली घड़े से पता तो चल गया कि वस्तु है, लेकिन ये घड़ा है या कोई और है उसका नामकरण नहीं हो पाया। जब तक वो नहीं हो पाता तब तक उसकी स्थिति बने रहना ही निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है, अर्थात उसमें कोई भी विचार नहीं आया अभी तक। इसीलिए वेदांत सार में भी निर्विकल्पक समाधि को सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया, क्योंकि जहां सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, तब वो समाधि प्राप्त होते हैं। लेकिन यहां ज्ञान की चर्चा है, तो निर्विकल्प ज्ञान किसी वस्तु से इंद्रियों का सन्निकर्ष होने पर जो पता चलता है कि यह है, किंचित इदम, ये बोला गया इसमें किंचित इदम, कुछ है, इस तरह से पता चल जाता है, लेकिन कुछ है ये संशय के रूप में नहीं है, बस संशय में नहीं ले जाना इसको, कुछ है बस ये पता है, लेकिन क्या है ये अगली बार समझ में आएगा। तो इसको निर्विकल्पक ज्ञान का फल माना जाता है। तो इस तरह से हमें उसके नाम अभी नहीं पता, नाम हमको कब पता चलेगा, सर्विकल्पक ज्ञान जो होगा उसमें हम जाकर के नाम को पता कर पाएंगे। तो समझ में आ गया इंद्रियकरण कब होता है, जब इसका जो फल है निर्विकल्पक ज्ञान हो, और निर्विकल्पक ज्ञान क्या होता है, जब इंद्रियों से साक्षात होता है किसी वस्तु से, लेकिन उसका नाम और जाति से हटकर के जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात उसका नामकरण ना हो पाया हो, विशेषण विशेष भाव जब तक न जमे न जगे तब तक की स्थिति में निर्विकल्प ज्ञान रहता है। ठीक, चलिए अब हम दूसरे पर चलते हैं।
इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण कब बनता है? तो इसमें बोला गया है यदा निर्विकल्पक ज्ञानम, निर्विकल्प का अनंतरम, अनंतरम सविकल्पक नाम जात आदि योजनात्मक, नाम जाति योजनात्मक डिथोयम ब्राह्मणो अयम श्यामो अयमिति। विशेषण विशेष्य अवगाही, विशेषण विशेष्य अवगाही ज्ञानम उत्पद्यन्ते। ठीक है, इतनी सी बात बोलेगी इसमें। यदा निर्विकल्पक अनंतरम सविकल्पकम नाम जात्यादि योजनात्मकम, योजनात्मक डित्वयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति विशेषण विशेष्य अवगाही ज्ञानम उत्पद्यन्ते तदा ये इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणा, इसमें बोला गया है तब जा करके वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होता है। अब इसको समझ लेंगे तो बात साफ होती चली जाएंगी। हमने जब यहां पर मैं तीनों चीज समझाऊंगा आपको, पहला जो करण था वो इंद्रिय उसमें करण बनी थी, अब जो दूसरा है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण है, उसमें जो इंद्रिय थी यहां पर इंद्रिय सन्निकर्ष इंद्रियों की निकटता है कह रहे हैं, वहां से इंद्रियों से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था, फल क्या मिला था, निर्विकल्पक ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब यहां पर इंद्रिय सन्निकर्ष जो है वहां से शुरू होता है, इंद्रिय निकटता तो हमें संयुक्त हो गया, तब कह रहा है कि जब निर्विकल्प ज्ञान अनंतरम, जब निर्विकल्प ज्ञान जो हुआ जाति नाम जाति से रहित जो ज्ञान हुआ, ये बताया था नाम जाति से रहित जो ज्ञान हुआ, तो वो कह रहे हैं निर्विकल्प ज्ञान अनंतरम सविकल्पकम नाम जाति आदि योजनात्मक, यानी नाम जाति आदि से युक्त डिथोयम, ये डिथ है या कोई नाम रख लीजिए, डिथ को छोड़िए, ब्राह्मणोयम ब्राह्मण है, श्यामोयम काला है, घड़ा है, कुर्सी है, व्हाइट बोर्ड है, आप जो भी लगाना चाहें वो ज्ञान, यानी नाम और जाति। अब यहां पर नाम शुरू हो गया, इतनी सविकल्पक कह रहा है ये नाम जाति योजनात्मक या नाम जाति से युक्त विशेषण विशेष्य अवगाही, विशेषण और विशेष्य, विशेषण का मतलब हम जानते ही हैं, जैसे श्याम काला हरा भी काला पीला नीला जो भी है वो विशेषण है, या जिसकी विशेषता बतलाए वो विशेषण कहलाता है, और विशेष क्या होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उनसे युक्त, उनके ज्ञान से युक्त जो ज्ञान हमको उत्पन्न होता है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तब करण बनता है, उलझा हो जाता है थोड़ा सा। मैं दोनों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रथम में हम लिख लेते हैं करण, दूसरे में लिख लेते हैं अवांतर व्यापार, और तीसरे में लिख लेते हैं फल। ठीक है, जो करण है पहला हमारा वो करण बना था इंद्रिय, इंद्रिय करण बना तो अवांतर व्यापार यानी कि संयोग किससे हुआ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का, इंद्रिय और अर्थ, इंद्रिय का मतलब
इंद्रिय और अर्थ। अर्थ का मतलब वस्तु। एक एक चीज को बताता हूं मैं जिससे समझ में आया। और सन्निकर्ष का मतलब संयोग या निकटता। ठीक है, तो यहां पर जो अवांतर व्यापार यानी कि संयोग किसके साथ हुआ, व्यापार किसके साथ हुआ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इसके साथ हुआ। इंद्रिय का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के साथ अवांतर व्यापार हुआ, उसके बाद फल क्या हुआ, निर्विकल्पक ज्ञान, ये इसका फल हुआ। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या हुआ है, करण क्या बना हमारा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ये करण बना। जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण बना तो अवांतर व्यापार किसके बीच हुआ, क्योंकि अवांतर व्यापार क्यों, हमें जो चीज ज्ञान प्राप्त हो गया है वही बनेगा, तो निर्विकल्पक, निर्विकल्पक जो ज्ञान है वो इसमें अवांतर व्यापार हुआ, यहां था निंद्रिया सन्निकर्ष का संयोग किसके साथ हुआ, निर्विकल्पक ज्ञान से के साथ संयोग होगा, और फल क्या हुआ, सविकल्पक ज्ञान, ये फल हो गया। अब तीसरी चीज और है इसमें, तीसरा बचा था हमारा ज्ञान। अब ज्ञान यहां पर कौन सा है, ये ही है निर्विकल्पक ज्ञान, याद रखना आपको निर्विकल्पक ज्ञान। जब यह करण बनेगा तब क्या होगा, अवांतर व्यापार किसके साथ होगा, सविकल्पक ज्ञान के साथ अवांतर व्यापार होगा, यानी कि उसके साथ सही होगा। पता चल गया कि ये ब्राह्मण है, ये सांप है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये भेड़िया है, ये सब चीज सब पता चल गया सविकल्प ज्ञान से, उसका निर्विकल्प ज्ञान का सविकल्प ज्ञान से जब संयोग हुआ तो सारी बातें उसको समझ में आ गई। फिर जो बाद में जो फल निकलेगा वो आएगा हानोपादान पेक्षा बुद्धि, अर्थात हान उपादान और उपेक्षा बुद्धि उसका फल होगा। पता चल गया कि बिच्छू है तब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, बिच्छू है, बिच्छू इसका मतलब काटेगा तो दर्द होगा, इसलिए हान बुद्धि उससे उत्पन्न हुई और उसने उसको छोड़ दिया। दूसरी बार उसको फल मिल गए, आम, आम का ज्ञान होगा कि आम है तो आम को खाना है, स्वाद लगेगा, अच्छा लगेगा, तो उसको उपादान ग्रहण कर लिया, ये बुद्धि पैदा हो गई। तीसरी है उपेक्षा, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, ना तो वो त्यागने योग्य है ना वो ग्रहण करने योग्य है, तो उसके प्रति उपेक्षा की जो बुद्धि पैदा होगी उसको उपेक्षा बुलाया। तो तटस्थ की अवस्था जो होगी, तटस्थ का मतलब उदासीन। तो ये तीन प्रकार की बुद्धियां होती हैं, हान बुद्धि, उपादान बुद्धि, उपेक्षा बुद्धि। ये कब पैदा होती है, जब सविकल्प ज्ञान प्राप्त हो जाए। सविकल्प ज्ञान प्राप्त कब होता है, जब वो निर्विकल्प ज्ञान के बाद ये सविकल्प ज्ञान प्राप्त होता है। जब ये निर्विकल्प करण बनता है तब हान उपादान उपेक्षा बुद्धि पर फल होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जब ज्ञान पैदा होता है तो सविकल्पक ज्ञान पर फल होता है। इंद्रिय जब करण होता है तो निर्विकल्पक ज्ञान इसमें फल होता है। अवांतर व्यापार ये होते हैं, आप इनको कंठस्थ कर लें, रट लें, एक नहीं दो बार देखें। अभी मैं इसको और थोड़ा समझाऊंगा, इस चार्ट में मिटा रहा हूं उसमें, क्योंकि समझाना तो यहां तक था, ये तो अभी मैंने बताया ही नहीं है, अभी इसमें बताऊंगा तो समझ में आपके अच्छे से आ जाएगा। इसमें एक ही लाइन है, मैं मिटा नहीं रहा हूं, आपको ऐसे समझा दूंगा, ये उत्पद्यते है, उत्पद्यते नहीं है। ठीक है, इसमें अब दो चीज हमारे समझ में आ गई, इंद्रिय समझ में आ गया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष समझ में आएगा। तीसरा हमारा था ज्ञान था, लेकिन इसमें याद रखना है निर्विकल्पक ज्ञान की ही चर्चा कर रहे हैं। निर्विकल्पक ज्ञान करण जब बनता है तो इसमें बोला गया है, शायद समझ में आ जाए आपके, यहां बोल आ रहा है। ठीक है, यदा सविकल्पकानंतरम हानोपादानोपेक्षा
बुद्ध्या जायन्ते। ठीक है, इतनी सी इसमें परिभाषा है, इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसको समझाना इसी के साथ है। पहला था इंद्रिय जब करण बनती है तो निर्विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति होती है। दूसरा कह रहा है कि इंद्रियात सन्निकर्ष करण जब बनता है कब, निर्विकल्पक अनंतर, निर्विकल्प ज्ञान के अनंतर सविकल्पक जो होता है अर्थात नाम जाति आदि से युक्त, यह कुर्सी है, यह डंडा है, यह मनुष्य है, यह स्त्री है, यह पुरुष है, जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उससे युक्त, इसीलिए बोला गया है विशेषण विशेष्य, यानी कि काला है, पीला है, नीला है, चतुर है, चालाक है, मनुष्य है, स्त्री है, राम है, श्याम है, कालू है, जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो तब जाकर के इंद्रिया सन्निकर्ष करण बनता है। उसके बाद में निर्विकल्प ज्ञान जब करण कब बनता है, यदा सविकल्प ज्ञान अनंतरम, जब सविकल्प ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद में जो हान उपादान और उपेक्षा बुद्धि उत्पन्न होती है तब वह निर्विकल्प ज्ञान करण बनता है। तो तीनों आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी, यही मैंने यहां समझा है। अवांतर व्यापार से तात्पर्य क्या है, अवांतर व्यापार से तात्पर्य है संयोग, एक तरह से मिलना। इसमें उदाहरण वैसे जो दे रखा है उस उदाहरण पर जाऊं तो आपको शायद समझ में आ जाए, कोई व्यक्ति के पास परशु है यानी कि काटने का परशु है, उससे लकड़ी को काटता है तो लकड़ी वो परशु हो गया, करण हो गया, परशु करण हो गया, और काष्ठ जिसको लकड़ी को काटना है वो क्या हो गया, काष्ठ और परशु संयोग, परशु काष्ठ का मिलना, यानी काष्ठ परशु को काष्ठ में मारा जाता है तो उसके साथ जो संयोग मिलन होता है वो अवांतर व्यापार है, अवांतर व्यापार। ठीक है, परशु को यानी कि जब लकड़ी पे मारा जा रहा है काटने के लिए, तो जैसे ही लकड़ी पे लगता है तो वो क्या हो गया, उसका अवांतर व्यापार हो गया, उसका जो मिलना हुआ वो अवांतर व्यापार हो गया। अंत में फल क्या हुआ, लकड़ी का कटना, कटना क्या हो गया, उसका फल हो गया। तो तीन चीजें हो गई, करण, अवांतर व्यापार और फल, यानी कि परशु है, परशु को जब लकड़ी पे मारा जाता है तो वो जो मिलन होता है उसका संयोग होता है वो अवांतर व्यापार के अंतर्गत आता है, फिर जब कट जाती है लकड़ी उसके बाद जो कटना होता है वो फल कहलाता है। ऐसे ही इंद्रिय है, करण है, इंद्रियों का जब अर्थ के साथ संयोग होता है, मिलन होता है, आंखें जब किसी वस्तु को देखती हैं तो देखने की जो समय है वो कहलाता है सीधा सीधा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, अर्थात इंद्रियों और अर्थ का जो निकटता है, जो मिलन है उसका, वो अवांतर व्यापार कहलाता है। उससे जो प्राप्त होगा, जो फल होगा, वो निर्विकल्प ज्ञान होगा, अर्थात वह उसका भी पता नहीं चल पाया, देख तो ली उसने, घड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो नाम जाति से रहित जो ज्ञान प्राप्त होगा वो फल होगा इंद्रिय का। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान कब होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान जब होता है, जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण, यानी करण जो है वो निर्विकल्प ज्ञान के साथ मिलन करता है। अब इंद्रिय और सन्निकर्ष जो सन्निकर्षता थी, वस्तु के साथ जो मिलन था उससे ज्ञान प्राप्त हुआ निर्विकल्प ज्ञान, फिर वो दोनों से संयोग होता है, निर्विकल्प ज्ञान से जब संयोग होता है तब जाकर के उसको उसका नाम याद आता है, अरे ये तो घड़ा है, अरे ये तो कुर्सी है, ये तो सांप है, ये तो बिच्छू है, ये बहुत जल्दी जल्दी होती है चीजें, आप जब इसको महसूस करेंगे तब पता चलेगा, तब वो ज्ञान होता है फल सविकल्पक, यानी कि नाम सहित जो ज्ञान होता है वो सविकल्पक के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहे हैं कि ज्ञान करण कब होता है, अब ज्ञान शब्द है निर्विकल्पक करण, निर्विकल्पक करण जब होगा और निर्विकल्पक जब ज्ञान हो जाता है तो किसके साथ संयोग होता है, सविकल्पक के साथ संयोग होता है। ठीक है, समझ आ रहा है, सविकल्पक के साथ संयोग होता है, उसको ज्ञान तो हो गया और नाम सहित ज्ञान हो गया, उसका अवांतर व्यापार चल रहा है, तब मस्तिष्क कहता है कि ये बिच्छू है तो छोड़ने योग्य है, आम केला से फल जो भी खाने योग्य वस्तु है, ग्रहण करने योग्य वस्तु है, कपड़ा है वो लेने योग्य है, और जो यूज करने योग्य नहीं है, जो प्रयोग करने योग्य नहीं है वो उपेक्षा के योग्य है, अर्थात उदासीन के योग्य है, अर्थात उनके प्रति तटस्थ भाव रखने के योग्य है, अर्थात वो फल होगा। ये तीनों प्रकार की जो बुद्धियां होती हैं वो सविकल्प ज्ञान के अवांतर फल के ज्ञान के बाद होते हैं।
बहुत समझाने का प्रयास किया है मैंने, क्योंकि ये बहुत उलझा वाला मामला है। फिर आपके किसके कितने समझ में आया है ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें और कुछ नहीं है, ये प्रत्यक्ष में तीन चार चीजें थी बता दी। अब यहां पर जो आगे जो चर्चा चलेगी इंद्रिया सन्निकर्ष, क्योंकि इसको इंद्रिया सन्निकर्ष समझना कठिन नहीं सरल नहीं है, इंद्रिया सन्निकर्ष तो हमने कह दिया लेकिन है क्या, इसको छह भागों में बांटा गया, तो उसका अगला वीडियो आएगा और विस्तृत में ऐसे समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।